खबर शामिल करते हैं। डिविजनल ब्यूरो चीफ मोहम्मद मौजम जोया की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर इंडस्ट्रीज आबदा हनीफ ने मुख्तलिफ पेट्रोल पम्प्स, गैर कानूनी ऑयल एजेंसियों, करियाना स्टोर्स और होटलों के तंदूर का विजिट किया। उन्होंने करियाना स्टोर्स को गिरफ्तारी पर 90,000 रुपये, पेट्रोल पम्प्स और गैर कानूनी ऑयल एजेंसियों को ओवर चार्जिंग, पैमाना जात कम होने पर 19,000 जुर्माना और 2 पेट्रोल पम्प्स को सील किया। डीओ इंडस्ट्रीज ने तंदूर पर रोटी की कीमत और वजन को भी चेक किया और खिलाफ वर्जी पर 3,000 रुपये जुर्माना किया। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर इंडस्ट्रीज आबदा हनीफ ने कहा है कि दुकानदार गिरफ्तारी से इज्तनाब करें, किसी को आवाम की कुव्वत खरीद मुतासर करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। उन्होंने पेट्रोल पम्प्स और गैर कानूनी ऑयल एजेंसियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कहा कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफा, पैमाना जात में कमी और गैर कानूनी ऑयल एजेंसियां किसी सूरत बर्दाश्त नहीं है। पेट्रोल पम्प्स मालकान सरकारी नरखों पर पेट्रोल फरोख्त करें और पैमाना जात में हेराफेरी हरगिज़ ना करें। डीओ इंडस्ट्रीज आबदा हनीफ ने तंदूर मालकान के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कहा कि रोटी अवाम की बुनियादी गजाई ज़रूरत है, रोटी की कीमत में इजाफा और वजन में कमी करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। होटल्स मालकान 100 ग्राम रोटी की कीमत 7 रुपये में फरोख्त यकीनी बनाएं। जो भी खिलाफ वर्जी का मर्तकब पाया गया इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बड़ी एड़ियों से निजात सिर्फ 3 दिन की बात। स्मार्ट फीट क्रीम, लव योर फीट विद स्मार्ट फीट फ्रॉम उपर।